नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खास टॉपिक, जो कि हम महिलाओं के मन में अक्सर एक ये सवाल उठता है कि हम प्रेग्नेंट होने से कैसे बच सकते हैं। तो मुझसे काफी सारी फ्रेंड्स मुझसे पूछ रही थी कि आप कैसे अपने गर्भधारण को रोकते हैं, बिना किसी इंजेक्शन या टैबलेट के आप कैसे अपने गर्भधारण को कंट्रोल करते हैं। तो प्लीज इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज ही मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जहां भी आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक पर, तो आप मेरी इस वीडियो को वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि आप वो गलती ना करें जो गलती मैंने दोहराई थी। वीडियो के एंड में मैं आपको वो गलती भी जरूर बताऊंगी, ताकि आप लोगों से वो गलती ना हो। इसलिए प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना कर दें। तो चलिए देख लेते हैं। काफी बार हम महिलाएं ये टेंशन में आ जाती हैं कि हम गर्भधारण को कैसे रोकें। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर करने जा रही हूँ, जिनकी हेल्प से आप अपने गर्भधारण को रोक सकते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट होने से बच सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए आप इन नुस्खों को अपनाकर उन्हें टाल सकती हैं। देखिये, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इमरजेंसी पिल्स की। तो इमरजेंसी पिल्स हमें ज्यादा टाइम तक नहीं लेनी चाहिए, लॉन्ग टाइम तक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और मेरी डॉक्टर ने भी मुझे ये एडवाइस किया था कि आपको लॉन्ग टाइम तक इमरजेंसी पिल्स नहीं लेनी है। जब आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा, मतलब आपको डाउट हो रहा है या कुछ इमरजेंसी है, आप इसे एक या दो बार ले सकते हैं, इसे ज्यादा नहीं। इसके अलावा गर्भधारण रोकने के और भी बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। कोपरेटी है, इसमें ऑप्शंस आ जाता है, इंजेक्शंस आ जाते हैं, टैबलेट्स और भी काफी सारी आती हैं, वो भी आप खा सकते हैं। बट मैं आपको यहां पर टैबलेट की सलाह नहीं दूंगी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी में ही आप टैबलेट खा सकते हैं। और लॉन्ग टाइम तक आपको टैबलेट्स जो है नहीं खानी है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूं, जो कि मैं खुद भी लेती हूं, अपनाती हूं उन नुस्खों को। तो यहां पर जो मेरी सबसे पहली टिप है घरेलू नुस्खों में, वो ये है कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, आपके मन में अगर ऐसा कुछ डाउट रह जाता है, तो आप उसके तुरंत बाद ही 2 से 3 पीस आप अंजीर के खा सकते हैं। अंजीर, अगर आपको कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर पिक दिखा दूंगी, तो आप समझ सकते हैं। अंजीर खा लीजिए, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है, और इससे भी आप गर्भधारण से बच सकते हैं, प्रेग्नेंट होने से बच सकते हैं। टिप नंबर 2 मेरी यहां पर है, अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट होता है या अगर आप बचना चाहते हैं गर्भधारण से, तो आप पपीते का सेवन कर सकते हैं। लगातार 3 से 4 दिन तक आपने पपीते का सेवन करना है, हर रोज आपने पपीता खाना है। पपीते की मैं आपको यहां पर इसलिए एडवाइस कर रही हूं, क्योंकि पपीते की तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है। और अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर हमें ये एडवाइस करते हैं कि आपको पपीता नहीं खाना है, आप बाकी सभी फ्रूट्स खा सकते हैं। पपीता डॉक्टर्स हमें इसीलिए मना करते हैं, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी डॉक्टर ने मुझे पपीता खाने के लिए मना किया था, क्योंकि पपीते की तासीर बहुत गर्म होती है। यहां पर जो मेरा तीसरा घरेलू नुस्खा है वो है अदरक। जी हाँ, अदरक के कुछ टुकड़े आप बारीक कद्दूकस कर लीजिए, और इसे एक मग पानी में ले लीजिए और इसमें बॉइल कर लीजिए इन टुकड़ों को। इस अदरक के पानी को हल्का गुनगुना कर आपने पीना है, थोड़ा मतलब ठंडा कर पीना है, और इससे भी आप अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। और टिप नंबर 4 मेरा है यहां पर कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, तो आप उसके तुरंत बाद ही ताजे पानी के साथ आपने 1 चम्मच हल्दी खानी है, उसी वक्त खानी है आपने। और हल्दी को आप लगातार 2-3 दिन तक खाइए, जब भी आप सुबह उठते हैं, तो खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने खाने के बाद भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको यहां पर फोर्स नहीं कर रही हूं कि आपको चारों पांचों नुस्खे जो है वो एक साथ करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने हिसाब से देख लेना है, आपको जो भी सही लगता है आप वो कर सकते हैं। और टिप नंबर 5 में मैं आपको यहां बताना चाहूंगी, शायद आपको ये तरीका थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मेरी डॉक्टर ने, गायनोलॉजिस्ट जो मेरी डॉक्टर थी, तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया था कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, उसके तुरंत बाद ही आपने यूरिन पास करने के लिए जाना है। आप जब भी यूरिन पास करते हैं, तो आपने थोड़ा जोर लगाकर यूरिन को पास करना है, ताकि ऐसा कुछ भी अगर अंदर गया हो, आपको कुछ डाउट हो, तो वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाए। साथ ही साथ चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर उस गलती की, जो कि मैंने दोहराई थी। जब मेरी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था, तो उस वक्त में मुझे इन सब चीजों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने टैबलेट ली थी, यानी कि इमरजेंसी पिल्स ली थी। तो मैंने इमरजेंसी पिल 1 या 2 बार ही ली थी, तो उस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और मेरे डॉक्टर ने भी एडवाइस की थी कि आपको बहुत ज्यादा इस तरह से इमरजेंसी पिल्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको ये सूट नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां पर यही एडवाइस करना चाहूंगी कि बेटर होगा आप इन घरेलू नुस्खों को अपनाएं, क्योंकि ये भी काफी हद तक कारगर सिद्ध होते हैं, काफी इफेक्टिव हैं ये भी, क्योंकि मैंने खुद अपनाए हैं। उसके बाद से मैंने ये जो इमरजेंसी पिल्स थी लेनी बंद कर दी थी, और
कहते हैं ना कि जान है तो जान है, अपनी हेल्थ आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इमरजेंसी पिल्स को लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल मत लें, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, और इससे काफी नुकसान भी होते हैं हमारी हेल्थ को। और एंड में मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि आप कभी भी डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई भी इमरजेंसी पिल्स या इंजेक्शन वगैरह ना लगवाएं, क्योंकि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप जब भी ऐसा कुछ लेते हैं या टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो आप अपनी डॉक्टर की एडवाइस लेना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज आप इन घरेलू नुस्खों को भी अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स का भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप और भी अमेजिंग सी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूं और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।